आखिर ऐसा क्या हुआ कि अलास्का के जंगलों में रखा इस बस को वहां से उठा के म्यूजियम में रखा गया। ये घटना है क्रिस्टोफर मैकेंडलिस की। साल 1992 में सिविलाइजेशन से दूर ये हाइकिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान वो अलास्का के जंगलों में पहुंचे मिनिमल सप्लाईज के साथ। यहीं पे उन्होंने इस रिवर को क्रॉस किया। उसके बाद एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे उन्हें ये अबंडेंट बस दिखा। इस बस में ही उन्होंने 4 महीने बिताए, बेबीज कलेक्ट करके और हंट करके। और फिर जब उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें लौटना है, तब दोबारा उसी रिवर के पास वो आए। लेकिन तब तक रिवर का फ्लो बहुत ही ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि अब वो उस रिवर को पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए मजबूरन उन्हें दोबारा उस बस पे जाना पड़ा। और तब तक वो ये भी समझ चुके थे कि अब वो उस जंगल में ट्रैप हो चुके हैं। और उसके बाद उसी साल के अगस्त को कुछ मूस हंटर्स को उस बस के अंदर से क्रिस्टोफर का बॉडी मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, बस के बाहर उन्होंने ये नोट भी रखा था जिस पर उन्होंने मदद मांगते हुए अपने हालत के बारे में बताया था। बस के अंदर से ये जर्नल भी मिला था जिस पर क्रिस्टोफर ने अपने सर्वाइवल के बारे में लिखा था, जहां डे 1 से 113 दिन तक लिखा हुआ है। उसी वक्त का कुछ फोटोग्राफ्स भी मिला है जहां पे आप देख सकते हैं कि क्रिस्टोफर ने अपने हाथों में एक मैसेज को पकड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि कमजोरी के साथ साथ कुछ टॉक्सिक सीड्स खाने की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। इसके मुताबिक अगर वो 114 दिन से थोड़े ज्यादा सर्वाइव कर जाते तो उन हंटर्स के द्वारा वो रेस्क्यू भी हो सकते थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो मारे गए। इस घटना के ऊपर एक बुक भी लिखा गया है और बाद में एक फिल्म भी बनाया गया है। ये फेमस होने के बाद ही बहुत सारे लोग इस बस को विजिट करते थे, पर अब फाइनली इस बस को अलास्का के ही एक म्यूजियम में रखा गया है।